नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने इस बार यूपी पीजीटी भर्ती 2021 कॉमर्स विषय की परीक्षा दी है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस बार यूपी पीजीटी कॉमर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछली भर्तियों में यूपी पीजीटी कॉमर्स विषय की क्या कट ऑफ रही है। तो 2011 वाली जो भर्ती का विज्ञापन था उसमें जनरल कैटेगरी की 2 सीटें थीं और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 105 या इससे ज़्यादा प्रश्न सही हल किए थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ओबीसी कैटेगरी की 3 सीटें थीं और 97 या इससे ज़्यादा प्रश्न सही हल करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। एससी कैटेगरी की 6 सीटें थीं और 87 या इससे ज़्यादा सही प्रश्न हल करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। एसटी वर्ग की यहाँ पर कोई सीट नहीं थी। आगे बात करते हैं 2013 भर्ती की। 2013 भर्ती में जनरल कैटेगरी की 8 सीटें थीं, 100 या इससे अधिक सही प्रश्न हल करने वालों को यहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ओबीसी कैटेगरी की 6 सीटें थीं, यहां पर 98 या इससे ज्यादा सही प्रश्न हल करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। एससी कैटेगरी की 4 सीटें थीं, 85 या इससे अधिक प्रश्न सही हल करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। एसटी कैटेगरी की कोई सीट नहीं थी। 2016 भर्ती की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कट ऑफ अब तक 2016 भर्ती की ही रही है। 2016 भर्ती में जनरल कैटेगरी की 9 सीटें थीं और 105 प्रश्न या इससे ज्यादा प्रश्न सही हल करने वालों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ओबीसी कैटेगरी की 6 सीटें थीं और 103 या इससे ज्यादा सही प्रश्न हल करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। एससी कैटेगरी की 4 सीटें थीं और 94 या इससे अधिक प्रश्न सही हल करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। एसटी कैटेगरी की कोई सीट नहीं थी। मैंने जितनी भर्तियों के बारे में यहां पर बताया है उन सभी में जो सीटें बताई गई हैं वे बालक वर्ग की सीटें हैं। बालिका वर्ग में 2011, 2013 और 2016 भर्ती में 1 सीट नहीं थी। बालिकाओं को भी बालक वर्ग हेतु ही आवेदन करना पड़ा था और उनका चयन भी बालक वर्ग में ही हुआ था। अब बात करते हैं 2021 भर्ती में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि कट ऑफ एक अनुमान मात्र होती है, क्योंकि कट ऑफ ज्ञात करने के लिए जिन लोगों से बात की जाती है कई बार वे लोग गलत जानकारी भी दे देते हैं। तो देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का पता लगाने के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट की थी, उसके साथ साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। साथ ही बहुत सारे लोगों से बात भी की गई है। तो देखिए, इस बार जनरल कैटेगरी की 22 सीटें हैं। इन 22 सीटों में ईडब्ल्यूएस की सीटें भी शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस की सीटें कितनी हैं इस बारे में अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके 100 से लेकर 105 या इससे ज्यादा प्रश्न सही होंगे उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की 17 सीटें हैं और ऐसे अभ्यर्थी जिनके 95 से लेकर 100 या इससे ज़्यादा प्रश्न सही हल होंगे वे लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। एससी कैटेगरी की यहाँ पर 6 सीटें हैं और ऐसे अभ्यर्थी जिनके 83 से लेकर 88 या इससे ज़्यादा प्रश्न सही हल होंगे वे लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो संदेह है वो एससी कैटेगरी की कट ऑफ को लेकर ही है, क्योंकि एससी कैटेगरी के बहुत ही कम लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है जिस कारण उनके बारे में ज़्यादा जानकारी एकत्र नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है उससे विशेष परिस्थितियों में कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। एसटी कैटेगरी की इस बार कोई सीट नहीं है। ये जितनी भी सीटें यहाँ पर हैं बालक वर्ग में हैं, बालिका वर्ग की कोई सीट नहीं है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ की। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 95 से लेकर 100 प्रश्नों तक के मध्य रह सकती है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके 95 से लेकर 100 या इससे अधिक प्रश्न सही हल होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।